हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ में पॉलिनोमियल में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट टाइप टू जो है वो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है। और आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है रेस्पेक्टिवली, ओके। तो आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको गिवन है 2, ओके। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको गिवन है -7, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -14। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ क्या होता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब, ठीक है। ये एक्स क्यूब के सामने प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे चलेगा, ओके। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस sum of product of zeros taken two at a time into x minus product of zeros, okay। अब सब वैल्यू रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा f of x is equals to, ये तो ऐसे ही रहेगा x cube, ठीक है। और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको ऑलरेडी गिवन है 2, x square प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपको गिवन है -7, माइनस सेवन। और ये हो गया x माइनस अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है कितना -14, ओके। तो यहीं पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ओके। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप देखते हैं आंसर क्या आएगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x, और दिस ब्रैकेट इसको हटा देंगे, माइनस 7x प्लस 14, ओके, वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। नेक्स्ट देखते टाइप 3, ऑन फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल व्हेन इट जीरो सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन, ओके। देखिए इसमें एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको उसको समझाता हूं। आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू x cube minus px square plus qx plus minus r a minus r, okay। condition आपको given है the sum of two zeros is zero, condition आपको क्या given है, यहाँ पर आपको कोई condition given होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है the sum of two zeros is equals to zero, okay। ये question में आपको बोला जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है find the condition which must be satisfied by the coefficient of the polynomial, okay। ध्यान देना है इस type के questions में आपको coefficients के बीच में एक relation find करना होता है, okay। और आपको zeros के बीच में relation given होगा, फिर से ध्यान दीजिए, आपको zeros के बीच में कुछ relation given होगा और आपको coefficients के बीच में relation निकालना होगा। तो यहाँ पर आपको जीरोस के बीच में रिलेशन क्या गिवन है कि सम ऑफ टू जीरोस इज जीरो, मींस ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, लेट द जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ टू जीरोस इज जीरो, मतलब दो जीरोस का सम कितना है जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला जा रहा है ना कि टू जीरोस का सम कितना है जीरो। तो मान लिया है मैंने कि अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो जीरो होता है, तो ये हमको पता है, ओके। और आपको एक बात और पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता क्या है, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस बी, बी क्या होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ओके। तो माइनस बी की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस पी
a, a क्या होता है x cube का coefficient, तो ये आ गया आपका minus minus plus, ठीक है, ये आ गया आपका p, मतलब alpha plus beta plus gamma आ गया आपका कितना p, alpha plus beta की जगह आप क्या रख सकते हैं, alpha plus beta की जगह आप zero रख सकते हैं, question में given है zero plus gamma is equals to p, तो this implies that gamma is equals to p, okay, ये gamma is equals to p आ गया आपका. Now अब आपको पता है कि गामा इस पॉलिनोमियल का जीरो है, मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल में गामा पुट करूं, ठीक है, मतलब अगर मैं एफ ऑफ गामा निकालूं एक्स की जगह, अगर मैं गामा पुट करूं तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, है ना, क्योंकि गामा क्या है इसका जीरो है, और किसी पॉलिनोमियल में उसका जीरो आप पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है जीरो. तो एफ ऑफ गामा मतलब एक्स का वैल्यू आप गामा पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये गामा क्यूब माइनस p गामा स्क्वायर प्लस q इनटू गामा, ओके, माइनस r. नाउ ये हो गया, अच्छा, व्हिच विल बी इक्वल टू 0, व्हाई 0, बिकॉज़ गामा इज द 0 ऑफ दिस पॉलीनोमियल, तो आंसर मस्ट बी इक्वल टू 0. बस अब आपको p q और r में रिलेशन निकालना था, ठीक है, तो आप आराम से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. देखिए p q और r में, लेकिन गामा को हटाना होगा, गामा की जगह क्या लोगे आप, p, ओके, तो पुट gamma is equals to p from equation number 2, okay, तो ये हो जाएगा आपका p का cube minus p into gamma की जगह p रखोगे तो ये p square हो जाएगा, p square into p, p का cube plus q ऐसे ही रहेगा, और gamma की जगह आप क्या रखोगे, p minus r is equals to 0, ये p का cube cancel हो जाएगा, तो qp is equals to या pq is equals to r हो जाएगा. So this implies that QP लिख दो आप या PQ, ये right hand side चला जाएगा, minus का तो plus R हो जाएगा, तो PQ is equals to R, ठीक है? तो इस type के questions में आपको zeros के बारे में कुछ information दी जाती है, और आपको बोला जाता है कि जो x cube का coefficient है, जो x square का coefficient है, और जो x का coefficient है, और जो constant है, उसके बीच में आपको relation निकालना होता है, ठीक है? तो देखिए, अगर sum of zeros अगर zero हो, sorry, the sum of two zeros अगर यहाँ पर zero हो, मतलब alpha plus beta zero तभी होगा जब ये relation follow होता होगा, मतलब p और q का जो product है वो r के equal आना चाहिए, okay? Next देखते हैं इसमें एक और question, same type में जब आपको कुछ condition दी होती है zeros के लिए और आपको relation निकालना होता है coefficient of polynomial के बीच में, जैसे कि आपको एक polynomial given है, f of x is equals to x cube minus px square plus qx minus r, okay? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है zeros are in AP, okay? क्या बोला जा रहा है? Zeros are in AP. AP क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो हम आगे चैप्टर करेंगे AP का, बट आप ध्यान से देख लें, AP क्या होता है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ओके, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है. देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये 2, 4, 6, 8 ये पैटर्न, ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो आप क्या देख रहे हो, अगर आप किसी भी बाद वाले नंबर में से उसके जस्ट पहले वाला माइनस करोगे, जैसे कि 4 माइनस 2 कितना आता है 2, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2, 8 माइनस 6 कितना आ रहा है 2, तो आप क्या देख रहे हो, किसी भी नंबर को लेकर उसमें से उसके जस्ट पहले वाला नंबर माइनस करते हो तो हर बार एक कॉमन डिफरेंस आता है, सब में क्या आ रहा है 2, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो ऐसे पैटर्न को, ऐसे सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, ओके. अब सपोज यहां 5 होता जैसे, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाता 3 हो जाता, 5 माइनस 2 3 हो जाता, तब ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन नहीं बनता, ओके, बिकॉज देखिए यहां पर 5 माइनस 2 3 है, यहां पर 6 माइनस 5 कितना है 1 है, ओके, और 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, तो देखिए डिफरेंस कॉमन नहीं हो रहा है, ओके, तो आपको याद रखना है डिफरेंस कॉमन होना चाहिए,
और इसका पूरा चैप्टर है हम बाद में करेंगे, बट अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई तीन क्वांटिटीज थ्री क्वांटिटीज गिवेन, उसको अगर आपको एपी में अज्यूम करना होगा, ओके, तो कैसे अज्यूम करोगे आप, याद रख लीजिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड क्वांटिटी और ये थर्ड, ओके। तो सबसे पहले आप सेकेंड क्वांटिटी को ले लेते हो ए, ठीक है, फर्स्ट को लेते हो आप ए माइनस डी और थर्ड को लेते हो आप ए प्लस डी। याद रखिए फिर से एक बार कि कभी भी थ्री क्वांटिटीज को अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लेना होगा तो आप कैसे लेंगे, सबसे पहले सेकेंड क्वांटिटी को ए अज्यूम कर लीजिए, फर्स्ट को ए माइनस डी और थर्ड को ए प्लस डी, बहुत आसान है, इसमें ए लिखिए और इसमें से डी माइनस करिए ए में से और डी प्लस करिए, ओके। मतलब ये आपके थ्री जीरोज हैं, तो थ्री जीरोज आर गिवन एज, मतलब ये आपका अल्फा जैसा बिहेव करेगा, ये आपका, ये आपका अल्फा जैसा बिहेव करेगा, ये आपका बीटा जैसा बिहेव करेगा और ये आपका गामा जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो याद रखिए अगर यहाँ पर दिया हुआ था कि जीरो एपी में, तो आपका फर्स्ट जीरो होगा ए माइनस डी और सेकंड होगा ए और थर्ड होगा ए प्लस डी, इसका आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर किसी ट्राइंगल में आपको बोला जाता है कि तीन एंगल्स आपको ए पी में लेने, ओके, तो फर्स्ट एंगल लोगे आप ए, सेकेंड एंगल लोगे आप ए माइनस डी और थर्ड एंगल लोगे आप ए प्लस डी। याद रखिए एपी का जब थ्री नंबर्स आपको एपी में अज्यूम करना हो तो आप ऐसे अज्यूम कर दो, ओके। फोर कैसे करने हैं ये हम, और फाइव नंबर कैसे अज्यूम करने हैं ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में डिटेल में करेंगे, ओके। बहरहाल अभी इतना ना, अब हमको रिलेशन निकालना है किसके बीच में, पी क्यू और आर में, मतलब कोफिशिएंट्स के बीच में। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस तो ऐसे रहेगा, बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस पी, ए की जगह क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वन, तो ये हो गया पी। बट अल्फा अभी आपने अज्यूम किया था क्या था, ए माइनस बी, बीटा क्या था ए और गामा क्या था ए प्लस डी, ओके। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो गया, ए प्लस ए कितना आ गया 3a, दिस इंप्लाइज दैट ए का वैल्यू 3 इधर चला जाएगा तो पी बाय 3, ये हो गया है ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी पी बाय 3, ओके। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं आप, ठीक है, या तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लीजिए या एक काम और कर सकते हैं, देखिए ए का वैल्यू आ गया जो कि किसके इक्वल है बीटा के, तो एक जीरो का वैल्यू आ गया वो क्या है पी बाय 3। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह कितना पुट करेंगे बीटा, बीटा का वैल्यू मतलब p बाय 3 अगर आप पुट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 0, x का वैल्यू p बाय 3 आप पुट करिए तो ये हो जाएगा p बाय 3 का क्यूब, x की जगह p बाय 3 रखा है मैंने, माइनस p इंटू x की जगह p बाय 3 स्क्वायर प्लस q इंटू x की जगह p बाय 3 और माइनस r, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 0 बाय, बिकॉज बीटा इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसको अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, ओके। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, ये क्यूब पी पे भी लगेगा 3 पे भी, तो ये हो जाएगा पी क्यूब अपॉन 27 माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी पी का क्यूब और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस क्यू इंटू पी क्यू पी बाय 3 माइनस आर इज इक्वल्स टू जीरो। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो आपका आएगा 27 एलसीएम में, ओके, 27 हो गया तो ये तो किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं, पी क्यू माइनस 27 को 9 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3PQ प्लस 27 को 3 से डिवाइड करोगे 9 टाइम्स आएगा 9QP माइनस आर को आप क्या लिखोगे 27R, क्योंकि आर के नीचे 1 है और 27 जो एलसीएम आया उसको आप 1 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, ओके, और 27 को आर से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया। अब देखते हैं प्लस माइनस, माइनस ये लाइक टर्म्स है ना पी क्यूब और पी क्यूब वाले, तो माइनस प्लस, माइनस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 3 में से 1 पी क्यूब जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, तो माइनस 3 और प्लस 1 पी क्यूब माइनस 2 पी क्यूब माइनस 2 पी क्यूब, ओके, और प्लस
9 QP minus 27R, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे 27 इधर चलाएगा तो 0 बन जाएगा. ओके नाउ अब क्या करेंगे, देखिए हमेशा याद रखिए जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है उसको आप पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए. तो बोथ साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड. ओके माइनस माइनस ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के, तो इट विल बिकम 2PQ प्लस 9QP ये माइनस था प्लस और ये प्लस था माइनस और ये माइनस था प्लस 27R is equal to 0 into minus 1 is 0. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू एंड आर. तो इसका मीनिंग क्वेश्चन का ये है कि देखिए इस पॉलिनोमियल के 0 एपी में तभी होंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती होगी, मतलब कि पी क्यू आर में ऐसा रिलेशन होगा कि पी का क्यूब करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप उसमें क्यू पी का 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर उसमें आप आर का 27 टाइम ऐड करोगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0. ओके okay?